चारों तरफ होली के त्योहार की गूंज सुनाई दे रही है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आज के इस आयोजन से हजारों परिवारों की होली के इस महत्वपूर्ण त्योहार की खुशी कई गुना बढ़ गई है। कुछ ही समय के भीतर गुजरात में दूसरी बार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, युवाओं को अवसर देने और देश के विकास में उनके सामर्थ्य का उपयोग करने की दिशा में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, हम सबकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के सभी विभाग और एनडीए की राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं। केंद्र सरकार के अलावा अब एनडीए के शासन वाले 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उनके परिवार के सुख समृद्धि के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि नई जिम्मेदारी संभालने वाले युवा पूरी लगन और निष्ठा के साथ अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। साथियों, पिछले 5 वर्षों में गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य सरकार की नौकरी मिली है। सरकारी नौकरी के अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए भी बीते वर्षों में गुजरात में करीब 18 लाख युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। गुजरात सरकार ने तो भर्ती कैलेंडर बनाकर तय समय के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष 25,000 से ज्यादा युवाओं को राज्य सरकार में नौकरी देने की तैयारी की है। गुजरात सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। इसके लिए अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं। साथियों, अलग अलग सेक्टर में भाजपा सरकार के प्रयासों ने युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए केंद्र सरकार ने एक ठोस रणनीति पर काम किया है। हमारा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के माध्यम से अधिकतम रोजगार बढ़ाने पर। हमारा फोकस रहा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर के रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। हमारा फोकस रहा स्वरोजगार के लिए देश में सही वातावरण बनाने और नौजवानों को बिना गारंटी आर्थिक मदद देने पर। हमारा फोकस रहा बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स के मुताबिक
युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर। साथियों, जब विकास का पहिया तेज गति से चलता है तो हर सेक्टर में रोजगार का सृजन होने लगता है। आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्य सेक्टर में विकास की परियोजनाओं में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सिर्फ गुजरात में ही केंद्र सरकार के 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाखों करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट लाखों रोजगार भी पैदा कर रहा है। साथियों, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि आने वाले वर्षों में भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इसमें तो गुजरात की बड़ी भूमिका है। भारत में होने वाली इस क्रांति का नेतृत्व आप जैसे युवा ही करेंगे। अब जैसे गुजरात के दाहोद में हमारा आदिवासी क्षेत्र है, एक प्रकार से पिछड़ों इलाकों में है, वहां पर 20,000 करोड़ के निवेश से रेल इंजन का फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। गुजरात सेमीकंडक्टर का भी बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। ये सारे प्रयास भी गुजरात में रोजगार के हजारों नए मौके बनाएंगे। साथियों, आज सरकार विकास की जिस होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे भी बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। पॉलिसी लेवल पर हम महत्वपूर्ण बदलावों ने, ये जो नए बदलाव हुए हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जिसमें स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आज देश में 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और वो भी टियर 2 टियर 3 सिटी में हो रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर तो बन ही रहे हैं, साथ ही लाखों युवा स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी हो रहे हैं। सरकार इन्हें बिना बैंक गारंटी आर्थिक मदद दे रही है। मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना से भी स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर करोड़ों महिलाएं अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो रही है, पूरे परिवार के आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व कर रही है। सरकार इन महिलाओं को सैकड़ों करोड़ रुपयों की आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों, देश में बन रही नई संभावनाओं के लिए बड़े पैमाने पर स्किल्ड मैन पावर तैयार करने की जरूरत है। युवाओं के स्किल की ताकत से ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। हमारा प्रयास है कि स्किल डेवलपमेंट का फायदा समाज के हर वर्ग को मिले। इसमें हमारे दलित भाई बहन हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारा वंचित वर्ग हो, हमारी माताएं बहनें हो, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को भी प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे। यहां युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ
उन्हें एमएसएमई से भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को वर्ल्ड मार्केट तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। हम बदलती हुई नेचर ऑफ जॉब्स के लिए भी अपने युवाओं को लगातार तैयार कर रहे हैं। इस काम में हमारी आईटीआई बड़ी भूमिका निभा रही है। गुजरात में आईटीआई और उसकी सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज करीब 600 आईटीआई में अकेले गुजरात में 2,00,000 सीटों पर अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार अपडेट किया गया है। मुझे खुशी है कि गुजरात में आईटीआई का प्लेसमेंट काफी अच्छा हुआ है। साथियों, हमारा फोकस रोजगार सृजन के हर उस अवसर को विकसित करने पर भी है जिस पर दुर्भाग्य से आजादी के बाद जितना ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। बजट में 50 नए पर्यटन केंद्र विकसित करने की घोषणा की गई है। जैसे हमारे केवड़िया एकतानगर में यूनिटी मॉल है, वैसे ही हर राज्य में यूनिटी मॉल तैयार करने का ऐलान किया गया है। इनमें देश भर के यूनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। इन प्रयासों से लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा एकलव्य स्कूल में भी करीब 40,000 टीचरों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। साथियों, आप सबको गुजरात सरकार के साथ जुड़कर सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये स्वाभाविक है कि ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए उत्सव का क्षण है। लेकिन साथियों, आप एक बात जरूर याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। जीवन की एक नई यात्रा का आरंभ है। अगर आप सरकारी नौकरी पा लेने को ही अपना लक्ष्य मानकर बैठ जाएंगे तो आपका अपना व्यक्तिगत विकास रुक जाएगा। जिस मेहनत और लगन ने आपको यहां तक पहुंचाया है उसमें कभी भी विराम मत आने देना, उसे आगे भी जारी रखना है। कुछ नया सीखने की ललक जीवन भर आपको आगे बढ़ने में मदद करती रहेगी। आपकी पोस्टिंग जहां भी हो वहां अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता बढ़ाने पर, अपना ज्ञानवर्धन करने पर आप जितना ध्यान देंगे आपका तो लाभ होगा ही होगा। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का भी लाभ होगा। हमारा प्रयास है कि हर सरकारी कर्मचारी को बेहतर ट्रेनिंग मिले। इस दिशा में हमने कर्मयोगी भारत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर मौजूद विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज का अधिक से अधिक लाभ जरूर उठाइए। और मुझे पक्का विश्वास है कि निरंतर अध्ययन ये आपकी प्रगति का बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। साथियों, एक बार फिर आपको, आपके परिवारजन को इस शुभ शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब मेरे गुजरात के भाइयों बहनों को भी होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।